फिर मुझे बुंदेलखंड वाले क्या बोलते हैं उनका बुंदेलखंड बनाने का समर्थन करने वाले जो आंदोलनकारी कोई शिकायत करने लग जाते हैं उससे कहते हैं आपके रिमार्क कर देने से हमारा आंदोलन को नुकसान हो जाता है। लेकिन मैं जो रिमार्क नहीं कर रही मेरा मेरा ये ओपिनियन क्या बोलते हैं कंक्लूजन है निष्कर्ष है जो व्यक्तिगत है दूसरों का भिन्न तो ये है कि पहले क्लियर करो कि कितना बुंदेलखंड चाहिए तो बनने में 3 महीने ज़्यादा नहीं लगेंगे पहले क्लियर तो करो क्योंकि अभी क्या हो रहा है टीकमगढ़ वाले कह रहे हैं हमें नहीं आना आप जन भावना में बोलते हो कोई इलाज को शामिल कर ही नहीं सकते एक मिनट तब भी मैंने हमेशा यही कहा कि पहले ये क्लियर कर लो तो बनाने में देर नहीं लगेगी एक बार मैंने पूरा उत्तर दिया फिर आप याद कर लो आपको इसी का जो पन्ना टीकमगढ़ दमोह सागर और छतरपुर ये 5 जिले हैं ना मध्य प्रदेश के ये 5ों के जिले की पब्लिक कह रही है कि हमें बुंदेलखंड में शामिल नहीं होना हमें अलग नहीं होना। अब रही इधर की बात इधर वाला बुंदेलखंड कितना है बांदा जालौन हमीरपुर महोबा ललितपुर झांसी ये इधर का है अब कितने से पैकेट से क्या एक अलग राज्य की रचना से वो अपने पाँव पर खड़ा हो पाएगा इसमें अब किसको अगर बढ़ाना है मतलब बढ़ाना यानी फतेहपुर तक जाना है इधर कानपुर देहात तक जाना है तो उधर की पब्लिक की ओपिनियन है ही कि हम अलग हों क्योंकि जो बड़े शहरों से सटे हुए हैं विकास की प्रक्रिया वहाँ चल रही है उसका लाभ ले रहे हैं ये सब बातें क्लियर करते ही नहीं है और इसको जो नेता लोग हैं जैसे मायावती है वो प्रस्ताव पास करा दी विधानसभा में उन्हें ये नहीं सोचा कि इस सीमांकन क्या है रेखांकन क्या है राज्य का बेचारे जो आंदोलनकारी हैं तीसरी पीढ़ी आ गई मैंने शरद मेहरोत्रा जी और सीमांकन की बातें कहा थी बिल्कुल उसी दूसरा सेंटेंस में यही बोलती थी कि इसमें क्लियर हो जाए पहला एक ही सांस में दोनों बात क्लियर करेगा कौन करेगा कौन सरकारी तो क्लियर अच्छा दीदी अघोषित तो बुंदेलखंड लगातार है आंदोलनकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठ करके एक दबाव बनाना पड़ेगा प्रस्ताव लावे विधानसभा जिस क्षेत्र को आप अलग से मांग रहे हो वहाँ के जनप्रतिनिधियों को लाना पड़ेगा बुंदेलखंड में आप ही के जनप्रतिनिधि है बीजेपी के हर जगह का बयान है।